इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों मित्रों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, फटाफट जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। देखिए मित्रों, आपको पता है कि आपका टारगेट है जेआरएफ, आपका टारगेट जेआरएफ है, और आपके सामने दूसरा टारगेट आ गया संस्कृत कॉलेज व्याख्याता। मित्रों, संस्कृत कॉलेज व्याख्याता और नेट जेआरएफ, इन दोनों में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए मित्रों आपको पूरा सिलेबस चाहिए, और पूरा सिलेबस मित्रों आपको क्लास कोर्स पर उपलब्ध होता है। मित्रों 100% जो आपका सिलेबस है वो 100% सिलेबस आपका प्लस पर ही होगा मित्रों। इसलिए प्लस कोर्स ज्वाइन करके और नेट जेआरएफ और कॉलेज व्याख्याता दोनों लक्ष्य को प्राप्त करें मित्रों। आवाज सही आ रही है, एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए मित्रों आप लोग आवाज सही आ रही है। और प्लस कोर्स के लिए मित्रों आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर जाना मित्रों, ध्यान रखो मित्रों, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आप लोगों को, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सबको पता है मित्रों, ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर पर। उसके बाद में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, सेलेक्ट योर गोल, लॉगिन करना है, NTA UGC NET आपको गोल करना है। यहाँ पे NTA UGC NET दिख जाएगा, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 महीने का आपको लेना है मित्रों, 12 महीने का आपको लेना है। 12 महीने की फीस आएगी 10,000 के लगभग फीस है। यदि आपके पास में एक साथ फीस नहीं है तो आप 12 किस्तों में ले सकते हो मित्रों, 12 किस्तों में ले सकते हो मित्रों, और आपको प्रति माह की किस्त आएगी 800 से 850 रुपये मात्र। बस यहाँ पे आपको एंटर रेफर कोड दिया जाएगा, उसमें OFFICER10 आपको कोड बना, OFFICER10 लगाते ही आपको 10% की छूट मिल जाएगी मित्रों, मित्रों बिल्कुल। और फीस 15% फीस बढ़ रही है मित्रों, आपको ये पता है कि 15% फीस बढ़ रही है, और 15% फीस बढ़ने के बाद में 15% फीस बढ़ने के बाद में जो कोर्स 12 महीने का मित्रों वह 6 महीने का हो जाएगा। तो इसलिए आज ही अभी ही ले मित्रों, OFFICER10 मेरा कोड है, उसका अच्छी तरह याद रखना आपको, बिना स्पेस के, आपको बीच में स्पेस नहीं देनी, OFFICER10 लगाना है, और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मित्रों, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है मित्रों। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, और दोनों पेपर की तैयारी होगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी होगी, फर्स्ट पेपर की पूरी टीम आपके पास में कराएगी, सेकंड पेपर मैं आपको स्वयं करवाता हूँ, सेकंड पेपर जो आपका संस्कृत में का है वो आपको मैं स्वयं करवाने वाला हूँ, ठीक है मित्रों, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मित्रों, चलते हैं मित्रों, आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। टेस्ट की बात अपन करते हैं मित्रों, सबसे पहले तो अच्छी तरीके से आप ध्यान रखें किस प्रकार से क्या करना है मित्रों, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल बिना ऑप्शन के दूंगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको पता है कि 4 विकल्प लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए बिल्कुल अपन बिगर ऑप्शन के करवाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपन कर सके मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रश्न कर सके, इसलिए तो देखिए मित्रों। हाँ जी, पहला प्रश्न आपके पास सामने है, भूतपूर्व में कौन सा समास मित्रों, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, भूतपूर्व में कौन सा समास है, आपको पता है और हमें भी पता है, आपको पता है, आपस में अपन दोनों को पता है कि जैसे क्वेश्चन लिखते हैं आप आंसर दे देते हैं, तो जल्दी जल्दी दीजिए, भूतपूर्व में कौन सा समास है, जल्दी जल्दी मित्रों। बहुत अच्छा आप लोगों ने, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, केवल समाज, बहुत ही शानदार मित्रों, केवल समाज, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके लिए, हाँ जी, अगला प्रश्न आपके लिए मित्रों, हाँ जी,
उपवधु, उपवधु में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी दे दीजिए, उपवधु में कौन सा समास है मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दे रहे हो, हमें पता है बिल्कुल। उपवधु में कौन सा समास मित्रों, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। उपवधु में बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सभी ने आंसर सही दिया। अव्ययभाव समास बहुत शानदार स्पेशल, आपको पता है आपका टॉपिक मैंने समास टॉपिक पूरा करवा दिया, मैंने बिल्कुल समास टॉपिक करवा दिया, तो आज मैं आपका स्पेशल समास का ही टेस्ट लेंगा बिल्कुल, ताकि आपका पूरा मूल्यांकन हो जाए, बिल्कुल आपका पूरा मूल्यांकन हो जाए। हाँ जी, अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न आपके लिए त्रिमुनि, अगला प्रश्न त्रिमुनि, त्रिमुनि में कौन सा समास है? त्रिमुनि में कौन सा समास है मित्रों? जल्दी जल्दी बता दीजिए, त्रिमुनि में कौन सा समास है मित्रों? जल्दी जल्दी, बहुत शानदार शानदार, बहुत ही शानदार प्रश्न उत्तर दे रहे हो। हाँ जी, त्रिमुनि में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी सबके सब आंसर दीजिए, बिल्कुल सही है, अव्यय भाव। बहुत शानदार अव्यय भाव, बहुत शानदार उत्तर आपने दिया है, बिल्कुल अव्यय भाव समास है, लेकिन ये अव्यय भाव समास का अपवाद है भाई। इसका समास विग्रह क्या होगा, एक बार समास विग्रह बता दीजिए, समास विग्रह क्या होगा मित्रों? तरीय मुनिय, दोनों में समान विभक्ति लगानी, तरीय मुनिय समाहार, तरीय मुनिय समाहार, तरीय मुनि भी कर सकते हो, समाहार भी लगा सकते हो, ठीक मित्रों? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, हाँ जी बहुत ही शानदार, हाँ जी शानदार दिया उत्तर आपने, इसी प्रकार से देना भी आपको चाहिए, हाँ आपको देना भी चाहिए बिल्कुल। अगला प्रश्न, माता पितरौ, माता पितरौ मित्रों, माता पितरौ में, माता पितरौ में प्रयुक्त सूत्र, माता पितरौ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? माता पितरौ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? जल्दी जल्दी उत्तर दे दो, माता पितरौ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है मित्रों? जल्दी जल्दी, माता पितरौ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? माता पितरों में कौन सा सूत्र है? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यर्हितम च, बहुत अच्छी बात, अभ्यर्हितम च, अभ्यर्हितम च, बहुत ही अच्छा, हाँ जी बहुत अच्छा, बिल्कुल अधिक पूजनीय पद पहले आता, बहुत अच्छा। पूरे क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना पूरे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वह आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने वाले प्रश्न है, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे प्रश्न वो है जो पेपर में आने वाले हैं बिल्कुल, तो हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न मित्रों आपके, हाँ जी बहुत अच्छी बात, अगला प्रश्न है छत्रोपाहनम, छत्रोपाहनम, छत्रोपाहनम में कौन सा समास है? छत्रोपाहनम में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी दे दीजिए आंसर, छत्रोपाहनम में कौन सा समास है मित्रों? छत्रोपाहनम में कौन सा समास है?
जल्दी जल्दी बता दीजिए। आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा। छत्रोपानम में कौन सा समास है? बिल्कुल सही आंसर है समाहार द्वंद, समाहार द्वंद, समाहार द्वंद समास, बहुत अच्छा, समाहार द्वंद समास है बिल्कुल। भाई इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह बता दीजिए भाई, समास विग्रह बताओ। छत्रस्य उपाहनस्य, छत्रस्य उपाहनस्य, मित्रों मूल शब्द को ले लिया, छत्रो उपाहन को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? छत्रोपाहनम, क्या बन जाएगा? छत्रोपाहनम। छत्र यानी क्या होता है? छाता, और उपाहन यानी जूता, छाता और जूता। मित्रों जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रश्न है। हाँ बहुत ही शानदार उत्तर दे रहे हो आप, बिल्कुल शानदार उत्तर दे रहे हो। हाँ जी बहुत ही शानदार प्रश्न है और शानदार ही उत्तर आप दे रहे हो, बिल्कुल। नेक्स्ट आपके लिए, हाँ जी, हरिहरऊ, हरिहरऊ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? जल्दी जल्दी, हरिहरऊ में प्रयुक्त सूत्र, हरिहरऊ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? हरिहरऊ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? मित्रों जल्दी जल्दी आंसर दे दो, हरिहरऊ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? हरिहरऊ में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, हरिहरऊ में प्रयुक्त सूत्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। इसी प्रकार से उत्तर देते रहिए। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं मित्रों, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वह घबराए नहीं, बिल्कुल आप इस टॉपिक को देखिए, आप टॉपिक को पढ़ना, पूरे समाज को आप भी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको घबराने की बात नहीं है। पूरा का पूरा मैंने जो पढ़ाया है उसी का समास ले रहा हूँ। समास वगैरह क्या होगा मित्रों इसका? जल्दी जल्दी कर दो, समास वगैरह क्या होगा? हरिश्चय हरश्चय, ठीक है, क्या होगा? हरिश्चय हरश्चय, कैसे भी हो, ठीक है ना, हरिश्चय हरश्चय हो, चाहे हरश्चय हरिश्चय हो, कैसे भी हो, ठीक है ना, हाँ, लेकिन दोनों का समस्त पद जो बनेगा वह हरिहरऊ ही बनेगा, क्योंकि घी संज्ञक जो वर्ण है, जो घी संज्ञक वर्ण है मित्रों वह पहले आता है, जो घी संज्ञक वर्ण है मित्रों वह पहले आता है, पता है ना आपको, जो घी संज्ञक वर्ण है मित्रों वह पहले आता है, तो घी संज्ञक वर्ण आप हरिया बड़ा पहले बाद में आएगा, ये क्लियर है? हाँ जी, हर चीज का ध्यान रखना आपको, हर चीज का आंसर ध्यान रखना, ध्यान से दोगे आपको समस्या आएगी नहीं मित्रों। हाँ थोड़ा ध्यान, सावधानी रखनी है आपको, बिल्कुल सावधानी से दोगे कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सावधानी से देंगे, हर चीज आपके सामने आएगी। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट, प्राप्तोदक है, प्राप्तोदक है, प्राप्तोदक में कौन सा समास है? प्राप्तोदक में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए, प्राप्तोदक में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी उत्तर दे दो, जल्दी जल्दी दे दीजिए, प्राप्तोदक में कौन सा समास है? और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं ध्यान रखे, प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन तुरंत ले ले मित्रों, प्लस का कोर्स ले ले, क्योंकि पूरा सिलेबस वहीं पे होगा मित्रों। और ओपी सर 10, ध्यान को आप, बिल्कुल ओपी सर 10 है,
इस कोड का यूज करना। इस कोड को लगाने से आपको 10% की छूट मिल जाएगी, 10% की छूट मिल जाएगी मित्रों, 10% की छूट मिल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, 10% की छूट मिल जाएगी आपको। जल्दी जल्दी बताइए, बिल्कुल समानाधिकरण। यदि बात करें भेदों की तो समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुव्रीहि, बहुत अच्छी बात, समानाधिपति बहुव्रीहि समास। भाई समास वगैरह क्या होगा, एक बार समास वगैरह भी बता दो, कमेंट्स करके बता दो समास वगैरह क्या होगा। प्राप्तम उद्गम यम सह, प्राप्तम उद्गम यम सह, प्राप्तोदक है। और समानाधिकरण में कौन सा है, समानाधिकरण में कौन सा है, द्वितीय। कौन सा समानाधिकरण में, द्वितीय बहुव्रीहि है, बिल्कुल, कि प्राप्त हो गया उद्गम जिसको है। तो ये वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जाता मित्रों, ठीक है मित्रों, ध्यान रखे, पूरा ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से आपको आंसर देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, सोच समझ के आंसर देना है। हाँ जी सोच समझ के आंसर देना पूरा। अगला प्रश्न आपके लिए, गोदय, गोदय में कौन सा समास है, गोदय में कौन सा समास है मित्रों, जल्दी जल्दी बता दो, गोदय में कौन सा समास है, गोदय में कौन सा समास है मित्रों, फटाफट बता दीजिए, गोदय में कौन सा समास है। गोदय में कौन सा समास है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, गोदय में कौन सा समास। मित्रों जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज व्याख्याता की तैयारी चाहिए, कॉलेज व्याख्याता के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, कॉलेज व्याख्याता की पूरी जानकारी फटाफट दे दीजिए आंसर, कॉलेज व्याख्याता की पूरी जानकारी, पूरी जानकारी के लिए आप 2 नवंबर की क्लास देखें, 2 नवंबर की क्लास देखे, 8 बजे की, 8 बजे की क्लास देखे, 2 नवंबर की 8 बजे की क्लास है, संस्कृत की क्लास है, संस्कृत की क्लास के नाम से है, लेकिन संस्कृत की क्लास में कुछ पढ़ाया कुछ नहीं, कॉलेज व्याख्याता के बारे में बताया। और ये क्लास मिले भी आपको अनएकेडमी पर, ये क्लास अनएकेडमी, हाँ अनएकेडमी स्पेशल क्लास है, अनएकेडमी स्पेशल फ्री क्लास, अनएकेडमी स्पेशल फ्री क्लास है इसमें, ठीक है मित्रों, बिल्कुल। और ओपी गुप्ता सर का ना, ओपी सर ध्यान रखना, ओपी सर टेन मेरा कोड है, इस कोड को यूज करना है, और 10% की 15% फीस पे बढ़ोतरी हो रही है, तो इस फीस का भी ध्यान रखें मित्रों, 15% फीस पे बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। हाँ जी, तो गोदय में कौन सा समास है मित्रों, उपपद, धारकना उपपद तत्पुरुष है, कौन सा है, उपपद तत्पुरुष समास। समास वगैरह क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, समास वगैरह क्या होगा, गाम ददाति, काम ददाति इति गोदय, गाम ददाति इति गोदय, गाय को देता है, जो गाय को देता है उसको बोलते हैं गोदय, गाय देता है उसको बोलते हैं गोदय मित्रों। अधिकाय देता उसको बोलते हैं गोदय। जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो हर चीज की जानकारी के लिए आपके पास, अगला प्रश्न, द्विजार्थम,
द्विचार्थम का समास विग्रह, द्विजार्थम का समास विग्रह क्या होगा, द्विजार्थम का समास विग्रह क्या होगा मित्रों, जल्दी जल्दी बता दीजिए, द्विजार्थम का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। द्विजार्थम का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, द्विजार्थम का समास विग्रह क्या होगा, द्विजार्थम का समास विग्रह क्या होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विजायम धारणा, द्विजायम 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 क्लियर, हाँ जी द्विजायम है, अर्थम है, अर्थम है, एक मिनट, अर्थम है बिल्कुल, द्विजाय इदम जो आप लोगों ने आंसर दिया है ये नपुंसकलिंग आने से, हमने आपको तीन शब्द बताए थे, आपको तीन शब्द बताए थे हमने, एक द्विजार्थ है, एक द्विजार्थ था और एक द्विजार्थम, हमने तीन शब्द बताए थे ना आपको, हमने आपको बताया था ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है और ये नपुंसकलिंग का, बताया था ना मित्रों। तो जब पुल्लिंग का आएगा तो आपको क्या करना है, अयम शब्द का प्रयोग, द्विजाय, द्विजाय के साथ में अयम शब्द का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग आए तो द्विजाय के साथ में इयम शब्द का प्रयोग करना है, और नपुंसकलिंग आए तो आपको द्विजाय के साथ में इदम शब्द का प्रयोग। तो ये तीनों के तीनों उदाहरणों को अच्छी तरह याद रखना, ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, तो ध्यान रखें। क्लियर मित्रों, अगला प्रश्न है आपके लिए, तो हर चीज का ध्यान रखना है, हर चीज को ध्यान से देना है, ठीक है मित्रों, हाँ जी। प्राचार्य, प्राचार्य का समास विग्रह क्या होगा, प्राचार्य का समास विग्रह जल्दी जल्दी बताए, प्राचार्य का समास विग्रह क्या होगा, प्राचार्य का समास विग्रह क्या होगा मित्रों, जल्दी जल्दी बता दीजिए, प्राचार्य का समास विग्रह क्या होगा, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार से, हर मित्रों कॉलेज व्याख्याता बनना, जल्दी जल्दी दे दो, अब कॉलेज व्याख्याता बनना, टेट, टेट यानी थर्ड ग्रेड, अब कॉलेज व्याख्याता बनना, टेट से भी अधिक आसान हुआ। ओपी गुप्ता सर के मार्गदर्शन में मित्रों, ठीक है ना, बिल्कुल, ओपी सर टैन लगा करके और प्लस कोर्स खरीदे, और टेट किसे भी, थर्ड ग्रेड से भी सरल, टेट है, हाँ बिल्कुल, टेट से भी सरल है हमारा, बिल्कुल। तो प्रगत आचार्य है, समास विग्रह क्या लिखा, बिल्कुल बहुत अच्छा, प्रगत आचार्य मित्रों, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, प्रगत आचार्य, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह तैयारी करके आएंगे तो बहुत शानदार में जाएगा।
हाँ जी, तो हर चीज का ध्यान रखें, अच्छी तरीके से मेहनत करें आप लोग, बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, हर चीज का ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपके लिए, तो थोड़ा सोच समझ करके जवाब दीजिए हर तरीके से। इस्तोकान मुक्त है, इस्तोकान मुक्त है, इस्तोकान मुक्त है में इस्तोकान मुक्त है का समास विग्रह, इस्तोकान मुक्त का समास विग्रह क्या होगा, इस्तोकान मुक्त का समास विग्रह क्या होगा मित्रों, जल्दी जल्दी दे दीजिए। इस्तोकान मुक्त का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी जल्दी। और एक बात ये अच्छी तरह ध्यान रखना कि प्लस क्लास जो है उस प्लस क्लास में, प्लस क्लास में, प्लस कोर्स में आपका 100% सिलेबस होगा, 100% सिलेबस होगा। और जो फ्री वाली क्लास है मित्रों, उस फ्री क्लास में आपका 20% के लगभग, 20% के लगभग सिलेबस होगा। तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझे कि आप फ्री क्लास में पूरा 100% सिलेबस होगा, तो ये ध्यान रखो, कोई भी स्टूडेंट धोखे में नहीं रहे कि प्लस क्लास में ही 100% सिलेबस होगा, फ्री में 20% के लगभग होगा। ठीक है मित्रों, शानदार, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। इस्तोकान मुक्त है का समास वगैरह पूछा है हमने, आपने बहुत ही शानदार, बिल्कुल सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं बिना किसी देरी के मित्रों, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं बिना किसी देरी के तुरंत ही प्लस कोर्स ले ले, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना मित्रों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मात्र आपके पास में 2021 है, इसमें ही नेट करना है, इसी में जेआरएफ करना है, सब कुछ आपको इसी में करना है, ठीक है ना। तो जिन भी स्टूडेंट्स का लक्ष्य जेआरएफ क्लियर करना है, नेट क्लियर करना है, साथ में ही कॉलेज व्याख्याता, साथ में ही कॉलेज व्याख्याता बनना है, जिनका भी उद्देश्य नेट जेआरएफ क्लियर करके कॉलेज व्याख्याता बनना है, ठीक है, बनना है मित्रों, ठीक है, वो तुरंत प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले, प्लस कोर्स ज्वाइन करें मित्रों, ठीक है ना। प्लस कोर्स का जो नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है मित्रों, नया बैच 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ है मित्रों, ध्यान के, नया बैच 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ, 9 नवंबर से प्रारंभ हो गया है, ठीक है ना। वैसे ये ध्यान रखना आप, इकाई भी 5वीं चल रही है, इसमें पहली दूसरी चौथी हो गई इकाई 5 में, जिसमें मैं भाषा विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, और ऐसी भाषा विज्ञान पढ़ा रहा हूँ कि आपने देखी नहीं, पूरी ट्रिक्स पे आधारित, पूरी ट्रिक्स पर, बिल्कुल ट्रिक्स पर आधारित पढ़ाता हूँ मैं, पूरी कंप्लीट ट्रिक्स पर आधारित पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में सबसे सरल तरीके से, पूरे भारतवर्ष में सबसे सरल तरीके से, सबसे सरल तरीके से ठीक है। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, ऑफिसर 10 मेरा कोड है, इस कोड को यूज करना है और 10% की डिस्काउंट पाना है, ठीक मित्रों। हाँ जी, तो हर तरीके का रहे, सब्सक्रिप्शन लेना आप लोगों को, सबको मैंने बता दिया है, गेट सब्सक्रिप्शन करना है, 15% की फीस में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, 15% फीस में बढ़ोतरी हो रही है, 12 महीने का अभी लेते हो, 12 महीने का 10,000 के लगभग लगेगा, किस्तों में लेना, किस्तों में ले सकते हो आप, 12 महीने की 12 किस्तों में ले सकते हो, 12 महीने की 12 किस्तों में ले लो, 800 से 850 रहेगा, ऑफिसर 10 मेरा जो कोड है, इस कोड का यूज करते ही 10% की छूट मिल जाएगी।
दोनों पेपर की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है मित्रों, पूरा शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, क्लियर है मित्रों? तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, हर तरीके से। ठीक है मित्रों, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर ले, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अनअकैडमी पर जाकर के मेरे को फॉलो कर लेना। अनअकैडमी पर जाकर के प्रत्येक स्टूडेंट मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है ना। अनअकैडमी पर जाकर के ओम प्रकाश गुप्ता, अनअकैडमी पर ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी जानकारी की। ठीक है मित्रों, तो लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे मित्रों। तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों।